मैंने जनरल मैनेजर भी है, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज अकीम शाहजी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा है ना कि अपन है विरार हाईवे पे, यहाँ से 15-16 किलोमीटर राइड करके आए, 17 किलोमीटर राइड करके आए विरार हाईवे पे अभी। और यहाँ पे खुला है एक नया ढाबा खुला है और अपना ओकेशन है, आज भाई का बर्थडे भी है, तो फैमिली के साथ मैं आया हूँ ढाबे पे। लब्बेक ढाबा है, लब्बेक ढाबा नाम है, और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है। मतलब अलग अलग पार्टीशन है, टेंट टाइप दिया हुआ है, बहुत सही कॉन्सेप्ट है। सर्विस भी सही है, खाना भी सही है, बहुत सुना हूँ अभी जा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस भी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत देखते और दिखाता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है ना कि मैं रुका हूँ फैमिली के लिए, मैं आ गया पहले आगे, मैं और मेरी सिस्टर आई है जो है इधर खड़ी है, साइड में खड़ा किया। तो मैं और मेरी सिस्टर आ गई है, आशुकर। तो हम लोग पहले आ गए और बोले चलो जाते, थोड़ा व्लॉग करेंगे, तब तक उन लोग आ जाएंगे। तो भाई को थोड़ा सरप्राइज भी देने का है, भाई और फैमिली आ रही है पीछे से। तो अपन जाते अंदर, एक्सप्लोर करते, थोड़ा घूमते, मचाते, खाना पीना खाते, थोड़ा एंजॉय करेंगे ना। फुल बूम 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 बूम। तो एंट्री कर चुके हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ। ये पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, लब्बेक नाम भी एकदम यूनिक है, अच्छा है, मतलब प्रोनाउंस करने भी अच्छा लगता है। लब्बेक का मीनिंग है, बट इतना मेरे को मालूम नहीं है, कुछ तो मीनिंग है, अच्छा मीनिंग हम लोग में बोला जाता है। जाते थोड़ा कंपार्टमेंट बुक करते अपना फैमिली का, तो तब तक अपनी फैमिली भी आ जाएगी, बुकिंग भी हो जाएगा। तो ये सीन है यार, वो फैमिली का सेक्शन है, ये थोड़ा सिंगल लोग के लिए, मतलब यंगस्टर लोग के लिए देते हैं लोग, ऐसा सुना था मैं। पीछे है फैमिली का, तो अपने वो पीछे का पकड़ने का, पीछे का बुक करने का। तो देखते हैं क्या चीज है, बात करते, थोड़ा फोन आ रहा है। तो अभी बुकिंग के लिए बोला था, फोन करके ही बोला था एक्चुअली, बट भाई ने टेबल दिया था, बट अपने को टेबल नहीं चाहिए, अपने को सिटिंग नीचे बैठना है। दस्तरखान बोल रहे हैं लोग, दस्तरखान टाइप अपना यू टेप में है, तो अपने को नीचे बैठना है। तो भाई ने अभी कोऑर्डिनेट किया अपने से, तो बोले भाई 10 मिनट रुक जाओ, 10-15 मिनट, तो आपको मैं दूसरा देता हूँ। टेबल कैंसिल होके भाई ने अपने को दस्तरखान दिए, तो अपन जाएंगे अंदर। तो थोड़ा मेरा प्लान था कि बलून्स लाया था, थोड़ा मिल जाता जल्दी, तो बलून्स नीचे डाल के थोड़ा डेकोरेशन टाइप हो जाता था, तो इसलिए था। बट ठीक है, कोई नहीं, बलून लाया, फटाफट डाल देंगे भाई आने के पहले, और फिर एंजॉय करेंगे फिर फैमिली के साथ, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम। और सर्विस भी देखेंगे, फूड भी देखेंगे यहाँ का कैसा है, अच्छा है कि नहीं। लोग इधर घूर रहे हैं बहुत, कुछ नहीं, अपने को हो गई आदत अभी, अपन बिंदास हो गए अभी क्या। तो चलो आप लोग देखो सिनेमैटिक शॉट, तो अच्छा लगा, कोऑर्डिनेट किए भाई ने सही से, मतलब थोड़ा अटेंशन दिए भाई को कि भाई रुको, आपका करता हूँ मैं सब, टेंशन मत लो। तो चलो आप लोग सिनेमैटिक शॉट देखो, एरिया देखो पूरा कैसा है, कैसा नहीं। चलो बाद में मिलता हूँ। बट नमाज के लिए जगह बनाया है लोग ने, प्रोवाइड किया है, खास नमाज के लिए रखा है ये जगह, पीछे है जेंट्स नमाज रूम, ये नमाज के लिए स्पेशल जगह रखा है अलग से। अपन जाते अपने टेंट में,
तो टेंट हो गया है, मिल गया है, बट इन लोग को भाई को बाहर रुका के रखा मैं, भाई को बोला बाहर रुक, इन लोग गए बलून बिलून हम लोग जाके डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत इन लोग ने लगाया आगे, तो भाई को बाहर रुकाना बहुत टास्क था यार, रुक रहा नहीं था बाहर, बट रुक गया है वो, और अंदर इन लोग गए, मेरी बहन लोग, भाभी लोग, डैडी मम्मी भी गए, तो देखते हैं अभी, चलो टेंट में जाते हैं, अंदर का व्यू बता दो आप लोगों, अभी खाना पीना मंगाएंगे, खाना खाएंगे, भूख लगी है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ शाम से, बहुत भूख लगी है, तो जाते अंदर और खाते खाना पीना। ये सेक्शन है फैमिली के लिए, स्पेशली फैमिली के लिए सेक्शन है। तो ये अपना टेंट, ये ऐसा एटमॉस्फेयर इधर का, यू शेप में टेबल है और खाने के लिए नीचे बेड, मतलब बेडशीट टाइप दिया, फुल कंफर्टेबल होके बैठ के खा सकते। तो अभी भाई को बुलाते अंदर और सरप्राइज देते, तो देखो फिर केक कटिंग करते, थोड़ा सेलिब्रेट करते फैमिली के साथ, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Vasi, happy birthday to you। दूसरा और एक कुछ चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑर्डर दे रहे हैं अभी, आ रहा हूँ फ्रेम में, फिश आइटम में कुछ ऑर्डर दे रहे हैं अभी, भाई ऑर्डर ले रहे हैं और सजेशन भी दे रहे हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा यार, स्पेशलिटी स्टार्टर में क्या है, नॉलेज हो रहा है भाई, बात कर रहा है। दूसरा चिकन में कुछ और बाद में, चिकन डबल एक का बोलो, डबल एक का। तो ऑर्डर देके तो हो गया, अभी थोड़ा बाहर घूमते, बाहर घूमते मैंने उसको बोला भाई इलायची इसमें भी नहीं चाहिए, कौन से भी फूड में इलायची नहीं चाहिए, बिकॉज नहीं चलता है, एलर्जी आग सूझ जाती है मेरी इलायची खाने वाला, तो इसलिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन, मैं इलायची वाला खाता ही नहीं हूँ कुछ, क्योंकि फिर अकीम अकीम नहीं रहता, दूसरा चेंज हो जाता है, फूड रुलिया चेंज हो जाता है। फोटो कभी तो दिखा होगा मेरा, रहेगा तो ओल्ड वाला तो दिखा होगा आप लोग अच्छोगे वो। तो अपना चालू है फोटोशूट, तो बहन को काम पे लगा है वो, फोटोशूट चालू है अपना, फोटो निकालूगा ना, अभी ऐसे प्लेस पे आया तो फोटो निकालना तो बनता है ना, तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे फोटो, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करता फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, दो आईडी है, एक चैनल का, एक मेरा पर्सनल, एक और यहाँ के जनरल मैनेजर मिले फारूकी भाई नाम है उनका, तो उन्होंने कार्ड वीड दिया है अपने को, तो उनको बोला मैं बाद में मिलना, आप डिनर होने के बाद मिलना मेरे को, आपकी जो पूरा इन्फॉर्मेशन देना, मतलब ब्रांच भी दूसरा है कि नहीं, कभी बोला क्या है क्या नहीं, सब फेक डालना ब्लॉग में वीडियो में। तो भाई ने बोले ठीक है आप कॉल करना, कार्ड भीड दिए, बोले आप कॉल करो जाते टाइम पे, मैं मिलता हूँ आपको। तो एक्चुअल में शायद से शेफ भी है और इधर के मैनेजर भी है, तो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी मिलते हैं अपन, लास्ट में मिलूंगा। चिकन डबल एक का मस्त मोला चिकन, तो भाई साहब कर रहे अपने को, भाई आपका नाम रहमान नाम है भाई का, सर्विस दे रहे। ये है केफ्ता राइस, दिस इज नवाबी हंडी, ये खाएंगे अपन बटर नान के साथ, बटर नान भी आ गया है, तो अभी भाई आएगा सर्विस देगा। एक्चुअली फैमिली के साथ हूँ तो ज्यादा खुल के व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, मम्मी डैडी भी है तो ऑकवर्ड मोमेंट थोड़ा यू नो समझ सकते हैं, तो इसलिए खुल के व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के साथ बैठा हुआ इसलिए थोड़ा साइलेंटली कर रहा हूँ। चलो खाते हैं थोड़ा, आप लोग एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक पार्ट, मैं यहाँ इंजॉय करता हूँ खाने में।
अभी अपना हाके हो गया है, खत्म हो गया है, पेट फूल हो गया है और अपन हो गया मत खाके नशा हो गया है खाने का। तो है फैमिली के साथ बैठा हूँ, देख रहे हैं मेरे को बट थोड़ा ठीक है, ऐड भी आज का वीडियो देखते ठीक है, फिर बाद में फिर देखते हैं, थोड़ा बाहर मैनेजर से बात करते हैं, शेफ भी है मैनेजर भी है तो मिलते हैं उनको भी थोड़ा यार, चलने के बाद अपन जाएंगे बाहर उनसे बात करेंगे, मिलेंगे थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करना जरूरी है, तुम्हारा भाई तो मालूम है इंटरेक्शन करता ही है, जा जाता है वहाँ। तो गाइस अभी खाना पीना अपना हो गया है, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट हो गया है, तो अभी एक पर्सन से आपको मिलाना चाहूँगा, यहाँ के GM है, जनरल मैनेजर है, फारूकी भाई नाम है उनका, तो फारूकी भाई तो नहीं बोलूँगा सर बोलूँगा, बिकॉज सेम इंडस्ट्री के तो होटेलियर समझ सकते हो, तो सीनियर हो गए मेरे, तो मिलवाता हूँ फारूकी भाई से यहाँ के GM मैनेजर, इन्होंने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, अच्छे से मतलब फ़ोन पे कोऑर्डिनेट भी अच्छे से किया, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया, इनसे ही बात हो गई थी, तो वो बोला आप मिलो जरा, आप अपने ढाबे के बारे में आप जो भी है, कभी चालू हुआ, अभी नया नया चालू हुआ मैं भी सुना, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। 2 नवंबर को अपना ओपनिंग हुआ है ढाबा, लब्बे एक रेस्टोरेंट गार्डन ढाबा, फैमिली सिस्टम है, जैन सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, सीटिंग टेबल का भी है और दस्तर खान का भी है, और अपना सबसे बेहतरीन है कि पार्टी भी करते हैं, तो पार्टी हॉल भी है, बैंकेट हॉल है, पार्टी हॉल है, सो से लेके तो 3,000 तक की अपन कैपेसिटी का पार्टी करते हैं, और हर एक रिश्ते अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा गेस्ट खाना खाता है, अच्छा तारीफ करता है, तो आप भी आइए, माशाल्लाह अच्छा खाना मिलेगा आपको और आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, और आपको बच्चे फैमिली के साथ बच्चों को घूमना करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, बच्चे लोग के लिए भी बहुत स्पेस बहुत अच्छी रीत से बनाया गया है, एक बार आइए तो आप इंशाल्लाह बार बार आएंगे। थैंक यू, एक्सपीरियंस किया मैंने, सर्विस भी एक्सपीरियंस किया, फूड भी एक्सपीरियंस किया, तो मैं बोला चलो लास्ट में जाते जाते भाई से मिलते, इतना मैं बोला कोऑर्डिनेट करते, थोड़ा कोऑर्डिनेट करना तो बनता ही, तो आप शेफ भी है शायद से, हाँ मैंने शेफ भी हो और जनरल मैनेजर भी, जनरल मैनेजर और शेफ भी है, तो कुछ वैकेंसी है मेरे लिए ऐसे कोई बात नहीं, रहेंगे तो आपको बुला लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और माशाल्लाह आपको कैसा लगा फूड, कैसा टेस्ट लगा आपको सब, फूड क्वालिटी भी अच्छा था, मुझे सर्विस भी पसंद आई, अच्छा क्विक सर्विस है, ज़्यादा डिले नहीं करते, और बेस्ट पार्ट ये लगा कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सही लगा, ये इसको बोलते हैं दस्तरखाना, और सामने जो अपना है वो टेबल सीटिंग जी, तो इंशाल्लाह आपका आना होगा तो फिर दोबारा फोन करो, अभी तो अभी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, तो अच्छा लगा सर से मिलके, तो अच्छा है सर, मिलता हूँ बाद में फिर, अभी थैंक यू फॉर सर्विस, थैंक यू फॉर फूड, और क्वालिटी भी आपका अच्छा था, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, चलो चलो ठीक। तो गाइस आज का वीडियो यही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब।